10 जून को छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में हिंसक भीड़ ने एसपी और कलेक्टर कार्यालय को आग लगा दी। 150 से अधिक गाड़ियां जला दी। इस मामले में बड़ा अपडेट ये है कि कल देर रात विष्णुदेव सरकार ने तत्कालीन कलेक्टर केएल चौहान और उस वक्त एसपी रहे सदानंद कुमार को निलंबित कर दिया है। इन्हें पहले ही अपने पदों से हटा दिया गया था, लेकिन अब दोनों को सस्पेंड भी कर दिया गया है। इस मामले में एक और बड़ा अपडेट ये है कि एक न्यायिक जांच आयोग बैठा दिया गया है, लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये जांच आयोग 10 जून को बलौदा बाजार में हुई हिंसा की घटना की जांच नहीं करेगा, बल्कि करीब एक महीने पहले हुई उस घटना की जांच करेगा जिसके परिणाम स्वरूप 10 जून को बलौदा बाजार जलने लगा था। क्या हुआ था एक महीने पहले, आपको ये बता देता हूँ। ये पूरा मामला शुरू हुआ था 15 और 16 मई की रात में। बलौदा बाजार जिले के गिरौदपुरी धाम में एक गांव है महकोनी। इस गांव की अमर गुफा में मौजूद जैत खाम को कुछ लोगों द्वारा तोड़ दिया गया। यह प्रतीक चिन्ह सतनामी समाज के आस्था का बड़ा केंद्र था। इसके बाद नाराज सतनामी समाज के लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया, सरकार से कार्यवाही की मांग शुरू हुई। मामला आस्था से जुड़ा था तो पुलिस ने भी मामले की जाँच में तेजी दिखाई और 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। कौन थे ये 3 लोग? ये 3 लोग स्थानीय ठेकेदार के मजदूर थे जो कि अमर गुफा के पास ही नल जल योजना का काम कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक ठेकेदारों ने इन्हें समय पर भुगतान नहीं किया तो गुस्से में आकर इन्होंने शराब का सेवन किया और जैत खम को क्षतिग्रस्त कर दिया। पुलिस ने 3 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, लेकिन सतनामी समाज इतने से संतुष्ट नहीं था। समाज के लोगों का कहना था कि इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है, इसकी CBI जाँच होनी चाहिए। और इसी मांग को लेकर 10 जून से प्रदर्शन चल रहा था, जो देखते ही देखते इतना हिंसक हो गया कि प्रदेश में पहली बार SP और कलेक्टर कार्यालय को ही आग लगा दी गई। तो अब 15 और 16 मई की मध्य रात को उस घटना की जांच के लिए सरकार ने न्यायिक जांच आयोग बनाया है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को जाँच अधिकारी नियुक्त किया गया है। ये 1 सदस्यीय आयोग है जिसके अध्यक्ष पूर्व न्यायाधीश CB वाजपेयी हैं। ये आयोग 6 बिंदुओं पर जांच करेगा और अपनी रिपोर्ट 3 महीने के अंदर शासन को सौंपेगा। वह 6 बिंदु क्या है जिसकी जांच आयोग जांच करेगा, ये भी समझ लीजिए। दिनांक 15/5/2024 और 16/5/2024 की मध्य रात्रि को जिला बलौदा बाजार के अंतर्गत ग्राम महकोनी अमर गुफा में स्थित जैत खम को क्षतिग्रस्त किए जाने संबंधी घटना कैसे घटित हुई, दूसरा वह कौन सी परिस्थितियाँ थी अथवा कौन से कारण थे जिसके फलस्वरूप घटना हुई थी, उक्त घटना हेतु कौन कौन व्यक्ति जिम्मेदार है, चौथा घटना के पूर्व व घटना के दौरान एवं घटना के उपरांत ऐसे अन्य मुद्दे जो घटना से संबंधित हो, पांचवा भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो इस हेतु सुरक्षा एवं प्रशासकीय कदम उठाए जाने संबंध में सुझाव एवं उपाय, छठवा ऐसे अन्य महत्वपूर्ण बिंदु जो जांच आयोग शासन के संज्ञान में लाना चाहे। तो आयोग 3 महीने के अंदर अपनी ये रिपोर्ट देगा। कल यानी 13 मार्च को कांग्रेस द्वारा गठित एक जांच समिति बलौदा बाजार जाकर वापस आ चुकी है। आज भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का एक दल बलौदा बाजार जा रहा है। खैर, जांच में जो कुछ भी सामने आए, विस्तार न्यूज आपसे ये अपील करता है कि आप शांति बनाए रखें। हिंसा किसी मसले का समाधान नहीं है। विस्तार न्यूज के लिए सौरभ तिवारी, रायपुर।